आपका सपना भी है जेई बनने का, या आपका सपना है एई बनने का, या आप चाहते हैं सेलिंग को बहुत डिटेल में पढ़ने का, जीरो स्तर से टॉप स्तर तक पढ़ना। अगर हाँ तो एडी ग्रुप लेकर आ रहा है 25 नवंबर को सिलिंग के लिए ऑफलाइन बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही डाउनलोड कीजिएगा एडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। ऑफलाइन बैच में आपको मिलेगा डिटेल नोट, पीडीएफ फाइल, वीकली टेस्ट पेपर एंड डाउट सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। सीट लिमिटेड है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। जुड़िए हमारे साथ, करिए अपने सपने को साकार। हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों का स्वागत। गुड आफ्टरनून जी, मंजीत कुमार, कैसे हो सब लोग? सभी लोगों का तहे दिल से इकबाल। और आज हम बात करेंगे UPMRC की बातें। मैंने बहुत कर ली हैं इस पर, दो सेशन इस पर हुए हैं जिसमें तमाम जानकारी मैंने दी है। पहला जो सेशन मैंने लिया था वो लिया था UPMRC वैकेंसी के रिगार्डिंग, दूसरा जो लिया था सिलेबस के रिगार्डिंग, और तीसरा जो हम आज बात कर रहे हैं इसके लिए पढ़ाई किस तरीके से हम करेंगे, इसकी बातें आज हम करेंगे। ठीक है डियस्टर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसमें जो है UPMRC का जो पेपर होने वाला है, जो हमारे पास टेंटेटिव डेट है, तो UPMRC का जो फॉर्म फिलअप डेट है ये 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर तक आपके पास फुल समय है, इसका फॉर्म ज़रूर भर दें जिन लोगों ने भी नहीं भरा है। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करें, उसको नकारे ना। हो सकता है कि क्या पता आपका इसमें ही सिलेक्शन हो जाए, बशर्ते अगर आप दिल से पढ़ाई करते हो उसके लिए, तो मेहनत से। दूसरी बात यह है, हमने कहा था कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट इसका है जी, एक टेंटेटिव है लेकिन हम इसी पर मान कर काम कर रहे हैं, जो कि है 2 जनवरी और 2023। मतलब ये समझो हमारे पास समय है तो केवल दिसंबर का, और कुछ दिन जो हैं इसके बाकी हैं। आशीष ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये तुम्हारा 140 मार्क्स का होगा पूरा का पूरा टोटल क्वेश्चन पेपर। 140 टोटल मार्क्स होंगे। थोड़ा सा सिलेबस को डिफाइन कर देते हैं, फिर हम कोर्स के अंदर की बातें करेंगे कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब तमाम।
चलिए तो 50 नंबर में डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात करी कि हमें इंग्लिश, दूसरा हम बात करते हैं इंग्लिश के बाद जनरल अवेयरनेस, जीएस लिख रहा हूं, तीसरी हम बात करेंगे तो यहां पर रीजनिंग, और नेक्स्ट जो बात करेंगे चौथा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, मतलब जिसको हम मैथ्स लिख सकते हैं मैथ्स। 10 नंबर इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और मैथ्स 15 नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये रहेगा आपका टारगेट इसमें पढ़ने का। तो ये है सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जितना भी समय बचा हुआ है। समझ गए बात को, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि सर इसको पढ़ाई हम किस तरह से करेंगे, हमारे कोर्सेज के अंदर किस तरह से हम इसमें पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का तरीका जो रहेगा हम अपने कोर्स की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले जो रहेगा तरीका हमको जाना है डियर स्टूडेंट्स हमारे स्टोर्स पर, स्टोर पर जाकर, स्टोर सर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, और वैसे तो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि चैट बॉक्स में भी है एप्लीकेशन का लिंक, कोर्स का लिंक, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन से डायरेक्टली आपने जो है डाउनलोड करके ये लिंक पर पहुंचे, आप कोर्स पर पहुंचे, UPMRC 40 डेज क्रैश कोर्स पहुंचे, जैसे ही तो हमने देखा किसके अंदर कंटेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पर कंटेंट की बातें कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो कंटेंट में डियर स्टूडेंट दो तरीके से हम कंटेंट को डिवाइड किए, एक टेक्निकल कंटेंट है और एक आपका नॉन टेक्निकल कंटेंट है। अभी टेक्निकल कंटेंट आपका लगभग अभी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टेक्निकल का लाइव चलेगा, इसमें मेरी क्लास लाइव होंगी, जैसे कि जो जो सब्जेक्ट है इसमें, जैसे कि BMC है, सर्वेइंग है, सोयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स है और आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जो सब पार्ट आप चाहें उसको मैं स्टार्ट, चाहें तो आप सोयल करना चाहते तो सोयल को स्टार्ट कर दूंगा, या अगर BMC चाह रहे हैं तो BMC को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। खैर तो ये तो हो गई बात आपकी टेक्निकल कंटेंट की, ये सब लाइव चलेंगे अभी तक, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल कंटेंट में, तो नॉन टेक्निकल कंटेंट भी जैसे ही आप करते हो ओके, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैथ्स हो गया एप्टीट्यूड जिसको कह रहे हैं, है ना, और जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हो गया, इंग्लिश वाला पार्ट हो गया और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। तो इसमें आप जितना भी कंटेंट देख रहे हैं सब आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे कि मैथ्स को देखा जाए तो मैथ्स के सारे लेक्चर हैं ये इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप पीछे आते हैं तो मैथ्स के बाद हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं यहाँ नॉन टेक में दूसरा, तो ये बातें हैं, ये सब हैं आपके ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है ना, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ये सब चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अंग्रेजी है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आप जाते हैं अंदर तो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस सेशन भी हैं इसमें, तो आप तुरंत जो है पढ़ते रहें, रात भर दिन भर पढ़ोगे तो काम सब हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो हैं लेक्चर सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी सारे की सारी नॉन टेक्निकल की, ये सब बातें होगी डियर नॉन टेक्निकल की। और टेक्निकल की हम बात करें तो टेक्निकल की सभी क्लासें आपकी जो भी होंगी अभी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें, इसमें ये कंटेंट पढ़ते भी रहेगा। चाहे तो आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं हमारे साथ, कल से मैं शेड्यूल आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सिविल इंजीनियरिंग JEE&AE टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप तुरंत ज्वाइन करें, जिससे कि मैं इस क्लास का शेड्यूल भी आपको बता दूंगा, कल से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें टेक्निकल को जो मैंने आपको ये बताया है सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग ही बात होगी, इसी के अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये तो थी बातें आपकी, अब कल से इसमें स्टार्ट होंगी क्लास जो होंगी, क्लास कल से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, कल सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको अगर समझ आई हैं या नहीं भी आई हैं, कोई भी डाउट लगता है तो आप ज़रूर जो है ज्वाइन करेंगे सेशन को, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हमारे वहां पर पूछ सकते हैं, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो टारगेट रहेगा हमारा 2 जनवरी का एग्जाम को, और आप जो है इस पर ज्वाइन करें कोर्सेज पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं UPMRC के लिए तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पर, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।